आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल अपने 3 दिन के अमृतसर दौरे के लिए अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने अमृतसर के रंजीत एवेन्यू डी ब्लॉक में भारी इकट्ठ को संबोधित किया। इस मौके पर श्री अरविंद केजरीवाल ने भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 में उनकी सरकार आने के बाद वह पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे तथा पंजाब के लोगों की मुश्किलों को भी हल किया जाएगा और नौजवानों को रोजगार के साधन प्रदान किए जाएंगे। इस मौके पर उनके साथ सरदार भगवंत मान, सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर, कंवर संधु, आशीष खट्टन, गुरप्रीत सिंह कुग्गी, प्रोफेसर साधु सिंह एमपी, सुखपाल खेड़ा, देवेंद्र बाजवा, पत्रकार मेजर सिंह, गॉडफादर नेटवर्क के एमडी सरदार गुरदेव सिंह पुल्लर जी, बीबी बलजीत कौर, महिला विंग आदि उपस्थित हुए। इस मौके पर कंवर संधु जी द्वारा 51 पॉइंट यूथ मैनिफेस्टो भी जारी किया गया। मैं सोच रहा था कि ये बात करूं कि ना करूं। मैं सोच रहा था कि आज जब हम यूथ मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, ऐसे मौके के ऊपर ये बात करना ठीक है कि नहीं है। लेकिन मुझे लगता है पंजाब के चुनाव में 7 महीने हैं और बादलों ने अपनी बदमाशी शुरू कर दी है और पंजाब की सारी जनता को और देश की सारी जनता को यह बताना जरूरी है कि बादल और बीजेपी की यह गठबंधन की सरकार किस हद तक नीच हरकतें कर सकती है। अभी 24 जून को कुछ गलत लोगों ने पाक कुरान के साथ बेअदबी की। बादलों की सरकार ने जिन लोगों ने बेअदबी की थी उन लोगों को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। उसमें विजय गर्ग नाम का एक आदमी था। मलेरकोटला में यह हरकत हुई। विजय गर्ग एक आदमी था। पंजाब सरकार ने कहा कि वो विश्व हिंदू परिषद का आदमी था। 26 जून को उन्होंने कहा विश्व हिंदू परिषद का आदमी था। 27 जून को उन्होंने कहा विश्व हिंदू परिषद का आदमी था। 28 जून को उन्होंने कहा विश्व हिंदू परिषद का आदमी था। 29 जून को कहा विश्व हिंदू परिषद का आदमी था। 30 जून को कहा विश्व हिंदू परिषद का आदमी था। 1 तारीख को कहा विश्व हिंदू परिषद का आदमी था। 2 तारीख को कहते हैं आम आदमी पार्टी का आदमी था। 2 तारीख को कहते हैं कि विजय गर्ग आम आदमी पार्टी के एमएलए के कहने पे यहां आया था। क्यों? क्योंकि 3 तारीख को केजरीवाल को पंजाब आना था और बादलों को केजरीवाल की यात्रा बर्बाद करनी थी, इसलिए उन्होंने। दोस्तों, आज सारा पंजाब जानता है, पंजाब के सारा विश्व के अंदर बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब जीत रही है। अभी कल ही एक सर्वे आया है, उस सर्वे के नतीजे दिखाते हैं कि 117 में से 100 सीट आम आदमी पार्टी की आ रही है। पिछले 3 महीने के अंदर जितने भी सर्वे आए हैं, किसी सर्वे ने 90 सीट दी है, किसी सर्वे ने 95 सीट दी है, किसी सर्वे ने 100 सीट दी है, किसी सर्वे ने 110 सीट दी है। आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। बादलों की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है। अब वो घबरा गए बुरी तरह से। अब उनकी नानी याद आ रही है। अब वो ये सारे नीच हरकतें करेंगे, इस किस्म की गलत हरकतें करेंगे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि पाक कुरान की बेअदबी की गई और उसके अंदर आम आदमी पार्टी के एमएलए को फंसाने की कोशिश की गई। दोस्तों, ये सारा देश जानता है कि इस देश के अंदर एक ही पार्टी है जो धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम पे गंदी राजनीति करती है। इस देश के अंदर एक ही पार्टी है जो
अंदर धर्म के नाम पे नफरत फैलाती है उसी की हरकत है। वो विजय गर्ग वीएचपी का आदमी था, विश्व हिंदू परिषद का। लेकिन मुझे दुख ही है दोस्तों, हमें बदनाम करने के लिए उन लोगों ने कुरान की बेअदबी कर दी। हमें ही बदनाम करना था, 100 तरीके और थे हमें बदनाम करने के लिए, कुछ और कर लेते। इन लोगों ने तो मेरे को कई बार थप्पड़ भी मारे, मेरे ऊपर स्याही फेंकी, मेरे ऊपर पता नहीं क्या 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 इन लोगों ने, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर तुम गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करोगे, अगर तुम कुरान की बेअदबी करोगे, अगर तुम बाइबल की बेअदबी करोगे, तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, तुम्हारे ये षड्यंत्र ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। विजय गर्ग कौन है? विजय गर्ग एक कठपुतली है और उसका असली बाप कहीं बैठा हुआ है। उस असली बाप को जिसने विजय गर्ग को भेजा था, आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, वो उसका विजय गर्ग का बाप सुन ले। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी, उस बाप को भी खींच के लाएंगे और जेल के अंदर। जिन लोगों ने कुरान की बेअदबी की और जिन लोगों ने पाक गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की थी, दोनों के मुजरिमों को पकड़ा जाएगा, उनको सजा दिलवाई जाएगी जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों, ये लोग कहते हैं विश्व हिंदू परिषद वाले, हम हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ दोस्तों। जो आदमी कुरान की बेअदबी कर सकता है वो हिंदू नहीं हो सकता। जो आदमी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करेगा वो हिंदू नहीं हो सकता। जो आदमी बाइबल की बेअदबी करेगा वो हिंदू नहीं हो सकता। असली हिंदू वो है जो इस्लाम की भी इज्जत करता है, जो सिखों की भी इज्जत करता है, जो क्रिश्चियनिटी की भी इज्जत करता है, जो सभी धर्मों की इज्जत करता है। दोस्तों, असली हिंदू वो है। दूसरा, पंजाब के सारे पुलिस अफसरों से मैं अपील करना चाहता हूं, मुझे बताया गया है कि बादल उन पे दबाव डाल के हर गलत सलत काम करवाते हैं। मैं सारे पंजाब के पुलिस अफसरों से अपील करना चाहता हूं, अब बादलों की सरकार जा रही है, अब आपको उनकी बात मानने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनो। सारे पुलिस अफसरों को, सारे पंजाब के अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जो आपका खुदा कहता है, जो आपका भगवान कहता है, जो वाहेगुरु का संदेश है, उसके हिसाब से काम करो। बादलों की बात सुनना बंद करो, बादल अब जा रहे हैं। अभी जैसा सुच्चा सिंह ने बताया, सुच्चा सिंह जी ने, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी, आटा दाल बंद कर देगी। दोस्तों, आज यहां से मैं आपको आश्वासन देके, वचन देके जा रहा हूं, आज अगर गरीब एक निवाला खाता है, हमारी पूरी कोशिश होगी उसको दो निवाले देने की, उसका निवाला हम कभी भी उसके मुंह से नहीं छीनेंगे। आज जो कुछ उसे मिल रहा है गरीबों को, आज जो कुछ पंजाब के लोगों को मिल रहा है, वो वापस नहीं लिया जाएगा। दो चीज ज्यादा देंगे हम, किसी का भी हक छीनने के पक्ष में नहीं है। ये फैलाया जा रहा है कि किसानों की सब्सिडी वापस ली जाएगी। दोस्तों, दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली के लोगों को मैंने बिजली की सब्सिडी दी है। बीजेपी और कांग्रेस वालों ने विरोध किया था, पूरे दिल्ली के लोगों ने मैंने पानी की सब्सिडी दी।
20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त किया। बीजेपी कांग्रेस वालों ने विरोध किया। किसानों की सब्सिडी कम करने का सवाल ही नहीं उठता। किसानों को और ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी, किसानों की बरकत की जाएगी, किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाई जाएगी। एक ही अफवाह फैलाई जा रही है कि रिजर्वेशन बंद किया जाएगा। दोस्तों, रिजर्वेशन के खिलाफ आम आदमी पार्टी नहीं है, रिजर्वेशन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। जो रिजर्वेशन है वो संवैधानिक अधिकार है और उसको खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। मर जाएंगे लेकिन दलितों के रिजर्वेशन को कभी बंद नहीं होने देंगे। दोस्तों, अब हम लोग 5 मिनट यूथ मैनिफेस्टो की बात करेंगे। सबसे पहले मैं संधु साहब को और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके ये जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो उनकी कई महीनों की मेहनत है। ये मैनिफेस्टो हमने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो संधु साहब ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो पंजाब के युवाओं ने बनाया है। इट इज बाय द यूथ, ऑफ द यूथ, फॉर द यूथ। ये पंजाब के युवाओं का सपना है ये मैनिफेस्टो। और जो खूबसूरत काम उन लोगों ने किया उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, मैं इसकी मुख्य मुख्य बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात, अगर आपको मंजूर हो तो आप बताइएगा, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर मजीठिया को जेल भेजना है कि नहीं भेजना है? मजीठिया को, उसके पूरे गैंग को और जितना माफिया, ड्रग माफिया पंजाब के अंदर इसकी तस्करी कर रहा है ड्रग्स की, 1 महीने के अंदर इनको जेल के अंदर डालना है। दोस्तों, 1 महीने के अंदर ड्रग्स की सप्लाई पंजाब के अंदर बंद करनी है। और ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आज हम सब लोग जानते हैं किस तरह से कांग्रेस और अकाली दोनों मिले हुए हैं। अगर कांग्रेस की भी सरकार बन जाती है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है ड्रग्स का धंधा बंद करने की। आज अगर आप पंजाब नशा मुक्त चाहते हैं तो एक ही पार्टी है जो पंजाब को नशा मुक्त कर सकती है और वो है आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, नशे की सप्लाई बंद करने के बाद हमारे जो बच्चे नशे के अंदर पड़ गए, ये बेचारे मरीज हैं। ब्लॉक के अंदर स्किलिंग सेंटर खोले जाएंगे और नए युवकों को बिजनेस करने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि युवक नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाले बने। दे शुड बिकम जॉब क्रिएटर्स रादर देन जॉब सीकर्स। दिल्ली के अंदर अभी हम लोगों ने आम आदमी क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए। झुग्गी बस्तियों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, एयर कंडीशन क्लिनिक, उसके अंदर सारे टेस्ट फ्री होते हैं, डॉक्टर फ्री, सारी दवाइयां फ्री। अभी हमने 100 क्लिनिक बना दिए दिल्ली के अंदर और इस 31 दिसंबर तक दिल्ली में 1,000 मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे। 1,000 ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक, एक एक हर गांव के अंदर एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा पंजाब के अंदर, जिसमें सारी दवाइयां फ्री होंगी, सारी टेस्ट फ्री होंगे और सारे डॉक्टर फ्री होंगे। हर गांव के अंदर फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। दिल्ली के अंदर हमने शुरू कर दिया है और ईस्ट दिल्ली के अंदर इस साल दिसंबर के महीने तक पूर्वी दिल्ली के अंदर फ्री वाईफाई दे दिया जाएगा। पहली बार दिल्ली में हुआ कि प्राइवेट स्कूलों ने, हर साल प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा देते थे, हर साल फीस बढ़ा देते थे, लोग बड़े दुखी थे प्राइवेट स्कूलों से। इस बार पहली बार हुआ किसी स्कूल ने फीस बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। जिन 10-15 स्कूलों ने फीस बढ़ाई,
सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठा के उनकी फीस कम करवाई और पैसे वापस करवाए बच्चों के। अभी जब मैं अमृतसर आया, अभी अपने गेस्ट हाउस में था, मेरे पास कई सारे अभी पेरेंट्स मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा जी यहाँ पे अमृतसर में भी प्राइवेट स्कूल वाले अनापशना फीस बढ़ा देते हैं, जैसा आपने दिल्ली में किया था वैसा ही आप पंजाब में भी करना, पंजाब के अंदर भी इन प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक किया जाएगा, इनका ऑडिट करवाया जाएगा और इनकी फीस बढ़ने से रोका जाएगा। दोस्तों, सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर अच्छा किया जाएगा। आज पंजाब के सारी सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने सरकारी स्कूल मीटिंग हुई थी और उन्होंने तय किया है कि इस बार बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल को मिलके पंजाब का चुनाव लड़ना है। अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो ये बीजेपी वाले, अकाली दल वाले और कांग्रेस वाले तीनों जेल में होंगे। तो उन तीनों ने क्या किया है, कुछ भी करो मिलके चुनाव लड़ो, लेकिन आम आदमी पार्टी को इस बार आने मत दो। इन तीनों ने तय किया है मिलके कैंडिडेट खड़े करेंगे। जहां अकालियों का कैंडिडेट मजबूत होगा वहां कांग्रेस वाले कमजोर कैंडिडेट खड़ा करेंगे, जहां कांग्रेस वालों का मजबूत कैंडिडेट होगा वहां अकाली वाले कमजोर कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इन सब लोगों की साठगांठ हो गई है। एक तरफ पंजाब के लोग हैं और दूसरी तरफ ये पार्टियां हैं। इस बार जीत पंजाब के लोगों की होगी दोस्तों। और एक और चीज, कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि अकालियों ने गांव गांव में जाकर पैसे बांटने चालू कर दिए हैं, वो वोट खरीदने के लिए पैसे बांट रहे हैं। आपके गांव में भी पैसे बांटने आएंगे, मना मत करना, ले लेना पैसे, अपने ही पैसे हैं, लूट रखे हैं इन्होंने, बीजेपी वालों से भी ले लेना, कांग्रेस वालों से भी ले लेना, अकालियों से भी ले लेना, और कोई ना देने आए तो उनके दफ्तर जाके ले लेना, बोलना जी पैसे देने नहीं आए इस बार। पैसे तीनों पार्टियों से ले लेना, लेकिन वोट झाड़ू के ऊपर पड़ेगी, वोट इस बार झाड़ू के ऊपर पड़ेगी। बोलो